हमारे बारे में बहुत ही बता चुके हैं, जो कि अभी हम उतना नहीं है। और जहां तक बताएं, ये सारा चीज पहुंचाने के लिए ये हमारे गुरु हैं जो हमको इनवाइट किए, चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा नाम हुआ श्री संगल कुमार प्रजापति, जपला पलामू झारखंड से हम बिलोंग करते हैं। और हम इस एक्शन प्लेटफॉर्म में आने से पहले, इस यहाँ पर आने से पहले हम अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। और मेरा सपना था, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बस हमारा इंटर पास, और हम उस हिसाब से पढ़ रहे थे कि मेरा सपना था कि हम पढ़ लिख करके नौकरी लेने के लिए मेरा ड्रीम बन चुका था। और उसी हिसाब से हम पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे, मन से लगे हुए थे। और हम पढ़ाई लिखाई जो किए हैं सरकारी स्कूल से किए हैं, लेकिन फिर भी मेरे जितने भी संगत के लोग हैं, मेरे जितने भी साथी हैं, वे सभी लोग नौकरी के बारे में, तैयारी के बारे में सभी लोग कर रहे थे। उसी दौरान में हम भी कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जब हम आईएससी में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो हमको पढ़ने के लिए पैसा नहीं मिल पाता है, और नहीं मिलने के कारण हमको जाते हैं जपला डेरा लेके पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो हमको बुलाए डेरा में कि आइए पढ़िए, पैसा नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन उसी दौरान में क्या हुआ कि हमारे घर से 1-2 महीना के पैसा नहीं मिल पाया, जिसके चलते जो है हमको वहां से पैसा के कारण निकाला गया। तो हमको मन में बहुत सारा ठोकर लगा। तो हम सोचे कि अभी हमारा आईएससी में ये हाल है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं जुम रहा है, क्योंकि हम लोग 2 भाई होते हैं, 2 बहन होते हैं। मेरे पिताजी कमाने वाले 4,000 या 5,000 रुपया महीना कमाते थे, और हम लोग सब कोई पढ़ने वाला व्यक्ति थे और पैसा कमाने वाला एक व्यक्ति, और गरीबी पूरी हालत, पूरा हालत खराब था। मेरा घर भी नहीं बना हुआ था, क्योंकि हमारा जो है इसी तरीके से पंक्ति मिला हुआ था। पहले एक में थे, लेकिन जब अलग हुए तो पंक्ति मिला, फिर से मिट्टी का ही हमारा घर बना, उसमें भी बहुत दिक्कत हुआ। तो पढ़ाई लिखाई में हमको पिताजी बोले कि हम उतना पैसा नहीं दे पाएंगे कि हमारे साथ चलो बाहर कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। लेकिन हमारा अंदर से इच्छा नहीं था कि हम मजदूरी कर सके। हमको लगता था कि हमारे पिताजी भी अगर मजदूरी कर रहे हैं और उनके साथ में हम भी मजदूरी करेंगे, वो अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे व्यक्ति है, हमको अंदर से हमको इच्छा नहीं करता था कि हम जो है प्लांट में जाकर के मजदूरी करें, क्योंकि हमको पसंद ही नहीं था। हमको नौकरी में जाना था, नौकरी की तैयारी करना था। तो आईएससी के बाद क्या हुआ, हमारे पिताजी मैट्रिक से ही बोल रहे थे, लेकिन हमको शायद लगता है कि यहाँ पर आना था। और इसी दौरान में हमको डी एक्शन के बारे में पता चलता है, और चले जाते हैं डी एक्शन के मीटिंग ट्रेनिंग में। वहाँ जपला में एक मीटिंग हो रहा था, तो मेरा सपना था कि नौकरी लेने के, पढ़ रहे थे कि हम सोचे थे कि हम अपना पढ़ लिख करके नौकरी लेंगे, लेकिन क्या हुआ, पैसा नहीं रहने के कारण हम वहाँ से हटा दिए कि नहीं, और चले जाते हैं मीटिंग ट्रेनिंग में कि वहाँ कुछ हमको मिलेगा। और जब जाते हैं मीटिंग ट्रेनिंग में, तो वहां पर मीटिंग में बताने के लिए और डी एक्शन के बारे में परिचय कराने के लिए हम फिर से हमारे गुरु रोशन सर के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि अगर उस दिन मीटिंग ट्रेनिंग में अगर उनका बात हम नहीं सुनते और नहीं समझते, तो आज हम आपके सामने जो बोल रहे हैं ना, ये नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारा सपना दूसरा जगह चला गया था। हम कुछ ना कुछ 5,000, हमारा सपना था कि 5-10 हज़ार रुपया अगर हमको सरकारी नौकरी से मिलेगा ना, तो हम उसके लिए जान लगा देंगे। क्यों, हमारे पिताजी 5,000 कमाते थे, हम सोचते थे कि चलो हम 10,000 भी कमाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, कम से कम हम अपन पिताजी से तो ज्यादा कमाएंगे ना। तो क्या हुआ कि जाते हैं मीटिंग ट्रेनिंग में, तो देखते हैं कि हमारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो सर मीटिंग देने के लिए आए हुए थे वो खुद हमारे ही जैसे थे। तो हम सोचे कि वाह क्या बात है कि जो सर मीटिंग देने के लिए आए हुए हैं वो खुद हम बच्चे ही की तरह हैं, तो लगता है कि हम सही जगह आए हैं। और मेरे पास उस टाइम में 2018 में, उस टाइम मेरे पास ना मोबाइल था, केवल साइकिल था, टिकट कटाने के लिए भी पैसा नहीं था। मान टांग करके जो हमको लेके गए थे उनको चरण में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमको अपना घर का व्यक्ति ही लेके गए थे चाची वहां पर मीटिंग ट्रेनिंग में, नौकरी के चलते कि नौकरी वहां मिलेगा। चले जाते हैं, ये वो हमारा सपना ही था नौकरी लेने के लिए। जाते हैं, रोशन सर से मुलाकात होता है, 3 घंटा मीटिंग ट्रेनिंग सुनते हैं, और सर इतना शानदार तरीका से मीटिंग ट्रेनिंग दिए, इतना शानदार तरीका से मीटिंग दिए कि हमारे पूरा दिमाग में समझ में आ गया। और समझने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि आज के बाद जो है नौकरी की तैयारी एकदम नहीं करेंगे, हमको नौकरी में एकदम नहीं जाना है, आज से हमको डी एक्शन की तैयारी करना है, आज से हमको डी एक्शन में आगे बढ़ना है। क्यों, हमको समझ में यही आया कि अगर हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं तो पैसा हमारे पास है नहीं कि हम नौकरी ले पाएंगे, क्योंकि हमारे जो चाचा के एक लड़का है जो नौकरी हुआ, उनको 3-4 लाख रुपया घूस दिया गया नौकरी पाने के लिए। तो हम सोचे कि हमारे पास 5,000 रुपया नहीं है तो हमको कहाँ से कोई पैसा दे पाएगा, 5 साल 10 साल तैयारी भी करेंगे, नौकरी भी नहीं लगा तो हम तो घर से भी चल गए, बाहर से भी चल गए, हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो हम सोचे कि मीटिंग ट्रेनिंग सुने थे तो सर बताए थे कि नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन 5 साल कैसे बताएंगे, हूबहू ऐसे सिस्टम का पालन अगर कर दिए तो 5 साल में गारंटी है कि 1 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं डी एक्शन प्लेटफॉर्म में। और वही बात हमको दिमाग में घुस गया, हम सोचे कि नौकरी में हम 10,000 के बारे में सोच रहे हैं और सर यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ से 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं आप। बोले कमा सकते हैं, हम कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं, बस शर्त यह है कि जो
बताया जाए वैसे पालन करिए, सिस्टम के साथ काम करिए। यहाँ से ग्रांटेड है कि आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। गरीब है, बच्चा है, उसे कोई मतलब नहीं है, बस आपको जिद होना चाहिए काम करने के लिए। हम सोचे कि हम करेंगे, अगर यहाँ मेहनत करने से 5 साल सिस्टम के साथ काम करने से अगर 1 लाख आता है तो इसके लिए हम पूरा मेहनत करने तैयार है। जो हमको बनेगा वो हम करने तैयार है, लेकिन हमको जिंदगी बदलना है तो बदलना है। हमको एक चीज तो समझ में आ गया कि मेरा जो है गरीबी दूर होने का रास्ता मिल गया, पैसा कमाने का, क्योंकि हमारा पैसा के लिए बहुत दिक्कत हुआ हमारे घर में। और एक बहन के शादी हुआ 3 लाख कर्जा हुआ, एक बहन के हुआ 5 लाख, मोटा मोटी सब मिला जुला के कर्जा महाजन, बहुत कर्जा में डूबे हुए थे, बहुत दिक्कत। कर्जा में कमाने वाला एक व्यक्ति है, महाजन कैसे भरा पाएगा, बहुत दिक्कत। हमारा छोटा वाला भाई भी नहीं पढ़ पाया पैसा की वजह से, कम उम्र में 18 साल से कम उम्र में उसको बाहर जाना पड़ा पैसा की वजह से। क्यों? क्योंकि पैसा कोई कमा नहीं रहा था, महाजन बहुत हो गया था, बहुत सारे लोग घर में बोलते थे पैसा दीजिए पैसा दीजिए, बहुत दिक्कत हुआ। लेकिन क्या करे हम, बहुत दिक्कत हुआ जिसके चलते पैसा में पिताजी के बोले, पिताजी हमको बोलते थे, पापा से माता जी से पैसा मांगते थे, माता जी हमको बोलते थे कि आप जाइए कमाने के लिए। लेकिन हमको उस टाइम रिएक्शन मिल चुका था, हम कहे कि अभी तो पैसा नहीं देंगे लेकिन कमाएंगे, एक हमको विश्वास है कि यहाँ से हम 1 लाख रुपया कमाएंगे। तो बहुत दिक्कत हुआ, महाजन पिताजी भर लेते धीरे धीरे। और हम इधर जो है टी एक्शन में आते हैं और मम्मी से पैसा मांगते हैं कि पैसा दीजिए, किसी भी तरीका से अगल बगल से मांग टांग के हमको पैसा मिलता है। और पैसा लेने के बाद ज्यादा नहीं 2500 रुपया हमको मिलता है, और जा करके हम अपना एक बार में ज्वाइनिंग करते हैं। प्रोडक्ट पूरा 2 साल लगातार दबा के खाते हैं साल भर। जब प्रोडक्ट हम साल भर 6 महीना प्रोडक्ट खाएं तो सबसे बड़ा फायदा हमको क्या मिला, प्रोडक्ट से पहला विश्वास हमको जो हुआ वो हुआ प्रोडक्ट से। जब हम प्रोडक्ट सेवन करना शुरू किए तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गैस कब्जियत की समस्या था, बहुत प्रॉब्लम होता था, और हम बोल नहीं पाते थे, 5 मिनट बोल नहीं पाते थे, थक जाते थे, और इतना समस्या हमारा होता था कि तबियत बहुत ज्यादा हमारा गड़बड़ जाता था, बहुत ज्यादा खराब रहता था। लेकिन टी एक्शन का जो प्रोडक्ट है सही में जादू है, सही में प्रोडक्ट में दम है, धन्य है ऐसा प्रोडक्ट बनाने वाले डाटू डॉक्टर लिमिशियो जी। ऐसा प्रोडक्ट हम लोग के बना करके दिया है कि आज हमारे जैसा व्यक्ति भी आज आगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोडक्ट की दम की वजह से आज आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो हमारे जैसा साधारण व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, जो पूरी तरीके से गरीबी में धंसा हुआ व्यक्ति आज यहां से आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो क्या हुआ कि जब हम डिसीजन लेते हैं कि अब हमको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, पैसा नहीं है मेरे पास, जो हम 5 साल पढ़ाई करेंगे नौकरी नहीं लगेगा गारंटी नहीं है, लेकिन 5 साल रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से बहुत सारा सपना पूरा हुआ। पहला चीज यहाँ से हमको समझ में आ गया कि पहला चीज जो है डीएक्शन में जो मिलेगा स्वास्थ्य मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। एक नंबर में हमको क्या मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। सर बोले कि आप ऐसा स्वस्थ रहिएगा कि आपको पूरा जल्दी जल्दी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से बचेंगे। क्योंकि हमको पता चल गया था कि 3 चीज बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा, बीमारी, महंगाई, तब बेरोजगारी, तीनों में अभी 3 में से किसी एक व्यक्ति अगर आपको धर लिया तो आपको जान से मार लेगा, आपको पूरा गरीबी को मैंने घर में सभी व्यक्ति को गरीबी में ढकेल लेगा एक वो चीज अगर पकड़ लिया तो। अगर आपको बीमारी भी पकड़ लिया तो आप गरीबी में जाइएगा, महंगाई में पैसा नहीं कमाइएगा तो ऐसी गरीबी में जाइएगा, अगर आपको कहीं कोई काम नहीं मिला नौकरी नहीं मिला तो ऐसी गरीबी में जाइएगा। तो 3 चीज बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाला था, बढ़ रहा है, हमको समझ में आया। सर भी बताया कि आज इतना है, आने वाला समय में और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अगर आप पैसा नहीं बढ़ाएगा तो आने वाला टाइम में आपको जो आज सब्जी खा रहे वो नहीं खा पाएगा, जो भी आप मतलब जिंदगी जो है जानवर की तरह आपको जीना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, चाहत की जिंदगी नहीं जी पाएगा, जैसे तैसे रहना पड़ेगा। चाहत की अगर जिंदगी जीना है तो आपको अपना पैसा को बढ़ाना पड़ेगा, यानी डी एक्शन को करना पड़ेगा। नौकरी से जरूरत का जिंदगी जिया जाता है, जिंदगी काटा जाता है, लेकिन यहाँ से आपको जो है जिंदगी जिया जाता है, ये हमको समझ में आया। यहाँ से सपना पूरा होता है, ये हमको समझ में आया। नौकरी से सपना पूरा नहीं होता है, जिसके चलते हमको समझ में आया कि यहाँ से अगर सपना पूरा होगा तो हम नौकरी क्यों करें। पहला नंबर हमको समझ में आया कि यहाँ से स्वास्थ्य मिलेगा, अगर हम यहाँ पर काम कर लेते हैं तो हमको स्वास्थ्य मिलेगा। दूसरा नंबर है धन मिलेगा। सर बोले कि धन इतना मिलेगा कि खर्चा नहीं हो पाएगा, जो तुमको पसंद आएगा वो ले सकता है, इतना पैसा यहाँ से आ सकता है डीएक्शन से। यानी स्वास्थ्य, धन और समय की आजादी यहाँ से मिलता है, समय की आजादी। आप जहां मन तहां घूम सकते हैं, पैसा कमा सकते, आप घूमने के लिए विदेश जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आजादी है, यहाँ कोई बंधन नहीं है। आप 50,000 कमाइए चाहे 1 लाख कमाइए, आप यहाँ पर आजाद है, आपको यहाँ बॉस नहीं है। नौकरी में बॉस होता है लेकिन बिजनेस में बॉस नहीं होता है, यहाँ पर आप मालिक बनते हैं, नौकरी में आप नौकर बनते हैं। ये हमको समझ में आया, जब साफ साफ क्लीन समझ में आया। स्वास्थ्य, धन, खुशियां, मान सम्मान, देश विदेश यात्रा, और सबसे बड़ा जो बात है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी आप मरने के बाद अपना बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाइएगा। तो सबसे चीज हमको समझ में आया कि अगर हम नौकरी करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम सिपाही भी बन जाते हैं, 60-70,000 महीना मिलता है, सिपाही का नौकरी मिला, 60-70,000 महीना कमा रहे हैं, डिग्री बहुत लिए हैं, लेकिन हमको समझ, मरने के बाद आपको क्या होगा, आप बच्चों को काम देगा,
करने के बाद आपको जो दुर्गा के जो पोस्ट है वो आपको मिलेगा बच्चा को, आपको जो 60,000 70,000 जो पैसा आ रहा है सैलरी आ रहा है आपको बच्चा को मिलेगा वो मरने के बाद? नहीं मिलेगा। जो आपका बीए की डिग्री एमए की डिग्री बहुत सारा डिग्री लिए मरने के बाद आपको सब जलाना पड़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपको मरने के बाद, उसमें से एक भी चीज आपको बच्चा को काम आने वाला नहीं है, यानी मरने के बाद आपका सब कुछ जीरो हो जाएगा। आपका बच्चा शुरू करेगा जीरो से। लेकिन डी एक्शन में सबसे बड़ी बात हमको जो समझ में आया उस टाइम में, कि मरने के बाद अगर आप डी एक्शन में काम करते करते अगर 1 लाख रुपया महीना कमाने लगते हैं, ग्राउंड मेस्टर या डबल डायमंड बनते हैं, डबल डायमंड है अब 1 लाख महीना मिलता है, तो मरने के बाद आपका बच्चा को चाहे आपका जो भी नॉमिनी में होगा 1 लाख रुपया महीना आपका बेटा को मिलेगा और डबल डायमंड का पोस्ट आपको बच्चा को मिलेगा। ये पावर हमको डी एक्शन में समझ में आया, ये नौकरी में संभव नहीं है। इसलिए हम सोचे कि आज के बाद हमारा फुल टाइम जो है, आज से हम एक ही चीज संकल्प लेते हैं कि हमारा अगर गरीबी दूर करेगा वो डी एक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। इसलिए हम क्या किए, हम चुन लिए प्लेटफॉर्म कि आज से हम शपथ लेते हैं कि आज से हम डी एक्शन में मरेंगे और डी एक्शन में जिएंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम डी एक्शन ही करेंगे। ये संकल्प मेरा हुआ, चाहे दुनिया कुछ भी बोले हमको करना है तो करना है, हम डिसीजन लेते हैं। जब हम समझ में आ गया, जब करना शुरू किए कि नौकरी से अच्छा बहुत अच्छा है बिजनेस, डी एक्शन बिजनेस बहुत अच्छा है, क्यों? इसमें पूंजी भी ज्यादा नहीं लगाना है, पूंजी नहीं के बराबर, जो गरीब भी आदमी लगा सकता है, अमीर भी लगा सकता है, सब आदमी लगा सकता है। एक जिसके पास ना मोबाइल है, ना जिसके पास कोई गाड़ी है, ना घर बहुत अच्छा है, इतना गरीबी में कपड़ा भी हमारा उस टाइम में जो हमको भैया देते थे, चचेरा भैया थे, वो देते थे कपड़ा लाता, वही पहनते थे, अपना से लेने का औकात नहीं था पैसा, ऐसे में कपड़ा लेने का औकात नहीं था, इतना गरीबी में हमारा हालात चलता था। लेकिन हमको पता चला कि यहाँ से उससे मतलब नहीं है, गरीब है अमीर उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप गरीबी में, अगर आप चाहते हैं कि अपना अमीर बनने के लिए, गरीबी में से निकलने के लिए अगर आप चाहते हैं, तो आप डी एक्शन से काम करके, इसमें सिस्टम से मेहनत करके आप जो है गरीब से अमीर की तरफ जा सकते हैं, गरीब से अमीर बन सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको अंदर में क्षमता है, अगर आप जिद्दी बन जाएंगे, अगर आप पागल बन जाते हैं, तो आप यहाँ से जो है जिंदगी बदल सकते हैं। वो हम वही करना शुरू किए, हम संकल्प लिए और कहे घर कि आज से हम यही काम करेंगे, लगे इसके बारे में बताने। अगल बगल दोस्त यार बोले कि भाई यार आप क्या कर रहे हैं, बोले कि हम इस जो है इसके बारे में हम डी एक्शन में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाया, हमारा दोस्त बोला अरे फालतू है, कंपनी 6 महीना में भाग जाएगा, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, अभी तुम्हारा पढ़ने वाला उम्र है, एक तो पिताजी गरीब है और तुम्हारा ऊपर भरोसा किया है पिताजी की कुछ पैसा कमाएगा, और तू डी एक्शन कंपनी में बच गया, बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा जिंदगी, बर्बाद हो जाएगा, गरीबी में है, आप गरीबी में सड़ेगा। दोस्त यार बोले, माता पिताजी बोले, माना करने लगे, हमारा सब कुछ खाया फायदा हुआ, लेकिन हमारा घर में नोचने वाले व्यक्ति, बाहर नोचने वाले व्यक्ति, सारा जगह एक भी ऐसा व्यक्ति हमको उस टाइम 2018 में हमको नहीं मिले जो बोले कि बाबू बहुत अच्छा जगह है, यहाँ से तुमको पैसा बहुत आएगा, यहाँ से तुम्हारा जिंदगी बदलेगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई बोलने वाला नहीं है, माता पिता कोई सपोर्ट नहीं किए शुरुआत में, कोई भी नहीं कि तू करो, लेकिन फिर भी जिद जिद होता है, संकल्प संकल्प होता है। हम सोचे कि नहीं हमको करना है, हम समझे हैं, हमारे माता जी नहीं समझे, हम समझे हैं, हमारे पिताजी नहीं समझे, हम मीटिंग ट्रेनिंग सुने हैं, हमारा भाई बहन कोई नहीं सुना है, इसलिए उसको डी एक्शन जो है बजने वाला काम लगता है। लेकिन हम मीटिंग ट्रेनिंग सुने हैं, हमको मालूम है कि गरीबी से निकलने वाला काम है, गरीबी से निकल सकते हैं, ऐसा हमको समझ में आया, किसी का बात नहीं सुने। माता जी पिताजी बोले कि लड़का जो है पागल हो गया, गांव देहात में भी बोले कि लड़का जो है बर्बाद हो जाएगा, पागल हो गया, जिसको जो है अच्छा जगह लेके जाइए, बोले भैया कि डॉक्टर के साथ रहिए, डॉक्टर बना देंगे हम, क्योंकि नहीं पैसा उतना है नहीं है, आईएससी पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, दिन भर कमाते थे तो रात में पढ़ते थे, काम करके पढ़ाई किए, आईएससी पैसा देना बंद हो गया। और डी एक्शन में आने के बाद जब हम संकल्प लेके करेंगे, डी एक्शन नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारा बोले कि घर से निकाल देंगे तुमको, नहीं छोड़ेगा ना डी एक्शन, घर से निकाल देंगे। माता जी भी बोले, पिताजी भी बोले छोड़ दो, बहुत सारे बोले छोड़ दो नहीं तो निकाल देंगे, हम कहे कि आप निकाल देना तो निकाल दीजिए, लेकिन हम डी एक्शन छोड़ने वाले नहीं है। और भी चीज बोले, बर्बाद तो हो करेगा, बहुत सारे लोग बोले कि छोड़वा दीजिए इसको, लेकिन हम नहीं छोड़े, हम कहे कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम छोड़वे नहीं करेंगे। हमको डी एक्शन जो है हमको पता चल गया है कि यहाँ से 1 लाख महीना कमाएंगे, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि 1 लाख कभी जिंदगी में आने वाला नहीं है, 4,000 5,000 10,000 कमाना आसान है, लेकिन 1 लाख कमाना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे खानदान में नहीं कोई कमाते हैं। हमारे बोले चाचा बोलते थे कि हमारे खानदान के नाम कटवा दिया ले गया, खानदान के नाम एकदम खराब कर दिया, इतना नाम पहचान हम लोग के था, सब पूरा इज्जत माटी में मिला दिया, ऐसा ऐसा घर घर जाता है बताने के लिए। बहुत सारे लोग बोले, हम कहे चिंता मत करिए, एक दिन बोली बंद करेंगे, उस दिन खोखो नहीं करिएगा, इतना मेहनत करेंगे ना कि आप उस दिन खोखो नहीं उठेगा, आप फिर बताइएगा कि जो है हमारा जो है बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बोले हमारा कान में भी आवाज गया, हमको बहुत मानते थे, बहुत सारे चाचा मानते थे, लेकिन जब डी एक्शन में हम आ गए ना, तो हमको जो जो मानते थे बहुत अच्छा थे, वो सब हमको विरोध करने लगे, हमको सबको आलचल बोलने लगा कि बर्बाद हो जाएगा सब कोई, लेकिन किसी व्यक्ति का हम बात नहीं सुने, कोई भी आदमी का जो है हम बात नहीं सुने, किसी भी व्यक्ति को बात नहीं सुने, और नहीं सुने, काम करते गए 2018 से शुरू किए, साल भर तो पाउडर दबा के खाए हैं,
प्रोडक्ट खाए, और धीरे धीरे बताना शुरू किए हम रिलेशन में, सबसे पहले बताना शुरू किए नानीगर, बताना शुरू किए मौसी के, बताना शुरू किए। लेकिन हमको बताने से पहले हमारे पिताजी पहले ही बता देते थे कि अगर ये जाएगा बताएगा चाय स्पर्णा के बारे में, ये कभी मत लीजिएगा, ये आल जल प्रोडक्ट है, मरने वाला प्रोडक्ट है, एकरा से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, हमारा बेटा फंसा हुआ है, आप इसको चक्कर में मत फंसिएगा, हम अगर ये आपको बता रहे हैं कभी मत लीजिएगा। हम जब जाते थे तो उन लोग हमको पहचानते थे, उस समझ जाते थे कि किस लिए आया हुआ है, लेकिन हम सोचे कैसे पता चला, तो वो नहीं बता देते थे कि हमको पहले ही बता दिए हैं, तो हम सोचे कि ले हमको जाने से पहले हमारे पिताजी से हाला कर दिए, अब हमारा जिंदगी कैसे बदलेगा, अब हम किसको बताएंगे। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि जहां पर अगर चाह है आपको ना, वहां पर राह मिल जाता है, अगर आपको प्यास लगा हुआ है ना तो आपको पानी आइए जाएगा, समुन्दर भी आ जाएगा, यहाँ पर बताया भी जाता है, फिर हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, बताया जाता है कि प्यासे के पास अगर आपको सही में प्यास लगा हुआ है ना तो समंदर भी आपको उठ करके आना ही पड़ेगा, थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, जिंदगी जीने का मजा आएगा जब सफल हो जाइएगा। तो यहाँ पर बताया जाता है, वही चीज हमको समझ में आया कि अगर हमको चाहत है तो हम आगे जरूर बढ़ेंगे, अगर हमको हम जीत दिए हैं पागल है तो हमको जिंदगी बदलेगा ही। हाँ भाई ठीक है, आज से हमारा जो है अनजान व्यक्ति भाई बहन है, आज से हमारा पूरा दुनिया भाई बहन हो गया, अपना रिलेशन वाले कोई मत सुनिए, लेकिन हम सबको अपना भाई बहन समझने लगे, कोई भी अनजान व्यक्ति है हमारा भाई बहन है, जो जैसा उम्र है वैसा आप सोचे, अब अनजान आदमी को बताना शुरू किए, जहां व्यक्ति मिले बताना शुरू किए, धीरे धीरे काम करते करते जो है स्टार एजेंट बने। मेरा पहला बोनस आया था 100 रुपया, पहला बोनस 100 रुपया आया, जब 100 रुपया मेरा बोनस आया तब देखिए पूरा एकदम भूकंप आ गया हमारे घर में, कि बताइए आईएएस पढ़ के, आईएएस पढ़ा हुआ लड़का एक महीना भूखे प्यासे गर्मी में ने काम किया है, दौड़ा रोज जाता है बताने के लिए, और एक महीना काम करने के बाद 100 रुपया आया, एकरा से मूर्ख आदमी तो हम दुनिया में नहीं देखे, हमारे पिताजी बोले, हमारे माता जी बोले कि एकदम सही में पागल है कि एक महीना काम किया और 100 रुपया बोनस आया, और पढ़ा लिखा है इंटर पास, इससे तो अच्छा है कि अनपढ़ व्यक्ति कमा रहा है महीना में 8,000-10,000 रुपया कमा रहा है, एकरा से तो अच्छा ना है। हम उस टाइम चुप रहे, आप चिंता मत करो, अभी तो टेलर है, अभी तो एक मतलब बीज है बरगद का, ये बाद में जब फैलेगा ना तब उस समय समझना कितना आएगा से, क्योंकि जो बहुत सारे लोग कहे कि ऐसा ऐसा बहुत कंपनी आया गया बर्बाद हो जाएगा, हमारे बहुत सारे भैया लोग बोले बाबू अभी तू बच्चा है कंपनी के बारे में नहीं मालूम है बर्बाद हो जाएगा, हम कहे कि नहीं ऐसा कंपनी ना कभी आया था और ना कभी आप देखे हैं जो हम जिस कंपनी में काम करते हैं, आप तो अभी नकली नकली कंपनी में आप लोग बचे हुए थे, इसलिए आपको जिंदगी नहीं बदला। बोले कैसे, आप सब बोले आप कोई ऐसा कंपनी के जानते थे जिसका मालिक साइंटिस्ट है, तो बोले कि ना हम देखिए हम हैं उसमें रिएक्शन में, रिएक्शन के फाउंडर साइंटिस्ट हैं, तो बोले कि ये सब झूठ बात है, ठीक है मानिए हम समझे थे देखे हैं साइंटिस्ट के, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ विरोध किए, लेकिन हम किसी की बात नहीं सुने, काम करते रहे, स्टार एजेंट बने, जब स्टार एजेंट बने तो हमारा बोनस आया था 5,000 रुपया, 5,000 बोनस आया, जब 5,000 बोनस आया तो हम बहुत खुश हुए कि वाह स्टार एजेंट बने हैं, 5,000 आया, इसका मतलब माला उला से सम्मानित किया गया, हम समझ गए कि ले अब लगता है कि हम जो नौकरी के बारे में सोच रहे थे कि नौकरी मिलेगा, लगता है कि हमको नौकरी मिल गया, हमको मालूम नहीं था कंपनी के बारे में, मेरे लिए फर्स्ट कंपनी डिएक्शन, ये नहीं कि 20 को कंपनी में मगरी से काम नहीं करते थे, मेरे लिए फर्स्ट कंपनी था डिएक्शन, तो हमको कंपनी के बारे में मालूम ही नहीं था कि क्या होता है कंपनी, हम तो पढ़ाई लिखाई से पागल थे, पढ़ाई लिखे में थे, हमको क्या मालूम कौन कंपनी क्या होता है, कुछ नहीं मालूम था, डिएक्शन में आने के बाद हमको मालूम चला कौन कंपनी क्या है, क्या कैसे क्या है, हमको बाद में पता चला। तो काम करते करते जो है मेहनत करते थे, बहुत सारे बोले कि इसमें कभी पैसा नहीं जाएगा, लेकिन हमको पैसा हर महीना आता था 100 रुपया 200 300, हम बहुत खुश होते थे, क्यों, क्योंकि हम जानते थे कि आज 100 रुपया आ रहा है, कुछ दिन में 10,000 आएगा, एक दिन 1,00,000 भी आएगा, 10,00,000 भी आएगा, शुरुआत है 100 रुपया आ करके पैसा, ये हमको साबित हो गया कि अगर 100 रुपया सकता है तो 1,00,000 भी आ सकता है, ये हमको विश्वास हो चुका था, समझ गए हो गया था, और स्टार बने। अब क्या हुआ कि इसी तरीका से बहुत सारे लोग जो है हम जपला क्षेत्र में जब काम करते थे तो हमको जो है बताने के लिए गाइडलाइंस करने के लिए कोई हमारे गुरु उस टाइम नहीं थे जो हमको गाइडलाइंस कर सके, तो जो हमारे अगल बगल में व्यक्ति रहते थे वही सब निगेटिव बोलते थे, अगल बगल जितना भी लोग हमारे जो काम करने वाले व्यक्ति थे डीएक्शन में अगल बगल सारा लोग जो जगह से मिलते थे सब निगेटिव करने वाले थे, नीचे से लेकर ऊपर तक निगेटिव करने वाले, एक व्यक्ति थे रोशन सर जो निगेटिव नहीं बोलते थे, उनके अलावा जितना भी नीचे हमारे सीनियर थे ऊपर 5-6 को जितना भी वो सभी लोग कहीं ना कहीं डीएक्शन को दिल से नहीं मानते थे, निगेटिव बोलते थे, और हम उसका असर हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त पड़ा, हमको विश्वास नहीं था कि गरीब आदमी भी यहाँ से पैसा कमा सकता है, क्यों, क्योंकि हमको निगेटिव डालने वाले अगले बगल के बहुत सारे लोग थे जिसके चलते हम उठ नहीं पा रहे थे, और इसी तरीके से 2019 में या 2020 में कोरोना काल आता है, हमारे लॉकडाउन लग जाता है, सब जगह पूरा दुनिया बंद हो जाता है, बोलते थे कि ये डी एक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन वाह क्या बात है, डी एक्शन प्लेटफॉर्म, डी एक्शन सिस्टम, डी एक्शन प्रोडक्ट की पूरी दुनिया जिस टाइम बंद था उस टाइम में डी एक्शन जो है गदना मचा के चला, उस टाइम हमारा जो है बोनस पड़ने लगा। तो क्या हुआ कि 2020 में नया घटना घटता है, नया जीवन हमको मिलता है फिर से, क्या हुआ कि जितने भी लोग इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे सब छोड़ दिए लॉकडाउन होने के बाद,
छोड़ दिए क्योंकि और मोबाइल नहीं था उनके पास, हमारे पास मोबाइल था और हम पढ़ाई लिखाई जो है छोड़ गए थे, हमको यहाँ से जिंदगी बदलना था, जिसके चलते जो है सब हमारे अगल बगल के सब छोड़ दिए। कोई व्यक्ति सब जितने से पूछेगा उन लोग कहते थे कि सब छोड़ दिया, बंद हो गया, कुछ ऐसे बोलते थे। हम कहते कि अब हम क्या करें, हम तो बोले थे कि जिएंगे डिजेक्शन के लिए, मरेंगे डिजेक्शन के लिए, अब हम क्या करें। लॉकडाउन हो जाता है, सब अपन अपन घरे चले जाते हैं, घरे जाते हैं, हम भी घरे जाते हैं। उसी दौरान में क्या हुआ कि डिजेक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल शुरू हुआ और हमको जो है उसी टाइम में हम सोचे कि अब सब कुछ हमको छोड़ के चला गया, जितने भी अगल बगल वाला लोग है सब छोड़ के जब चला गया, अब हम कैसे जिनकी बदले, अब ना घर के ना बाहर के हैं, सबको हमको बोले कि कह रहे थे कि बंद हो जाएगा ये, हमको तो बड़ा दम बहुत दिक्कत होने लगा। तब हम लास्ट में क्या करते हैं, हम रोशन सर से हमको फिर से मुलाकात हो जाता है और उनके पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि सर हमको आप सर बताइए, क्योंकि हमारे ऊपर जितने भी लोग हैं सब व्यक्ति जो है हमको नीचे गिराने में लगे हुए रहते हैं, निगेटिव बोलते हैं, इसके बारे में कोई अच्छा नहीं बोलते हैं और हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, हम पर बोनस नहीं बढ़ पा रहा था, 5,000 से ज्यादा कभी नहीं हुआ 2020 से पहले, कभी नहीं हुआ 5,000 से ऊपर। लेकिन उसी दौरान में क्या होता है, लॉकडाउन में ही जब आरबीसी यूट्यूब चैनल मीटिंग शुरू हुआ, उससे पहले क्या हुआ कि हमारा जो है जो गुरु रोशन सर के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है, उनको गुरु बनाते हैं, और क्या हुआ कि सर बोलते हैं कि आप जो है सर आपसे बात करेंगे, हम देखिए कि आज अग्रवाल से बात करेंगे, हम कहे ठीक है, कभी उनको सामने हम जाते नहीं थे, बहुत डर लगता था क्योंकि हम देखे थे कि पूरा पूरा अनुशासन में रहते थे, डांटते भी थे तो हमको बहुत उनके पास जाने में बहुत डर लगता था, तो कभी जाते नहीं थे उनके पास। तो क्या हुआ कि सोचे कि लगता है कि सर बात करेंगे, इसका मतलब कि कुछ अच्छा अच्छा चीज बोलेंगे, हमको उसको सिखाएंगे, लेकिन बोले कि पूरा डांटते हमको कि 1 साल से 2 साल से काम कर रहा है, पैसा अभी तक नहीं आया, यहाँ लॉकडाउन में देखो यहाँ बहुत सारे आदमी यूट्यूब चैनल पर है जो ₹1,00,000 महीना कमा रहे हैं, 50,000 महीना कमा रहे हैं, तू सड़ रहा है। तो बहुत डांटे सर हमको, पूरा क्लास लगाए, दम भर डांटे, जितना बोलना था बहुत बोले, लेकिन फिर से उनको चरण में प्रणाम करते हैं कि अगर उस टाइम अगर हमको नहीं वो पकड़ते तो आज हम आपके सामने बोल नहीं पाते, नहीं बोल पाते। उनसे बात करते हैं, बोलते हैं कि बेटा जैसे बताएंगे वैसे करेगा, हम कहे कि सर आप जो बोल दीजिएगा वो मानने ला तैयार है, कहते ठीक है आज से सबको ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दो, जितना भी सीनियर है सबको बंद कर दो, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दो, जैसे हम कहेंगे वैसे करना, क्योंकि जी सर करेंगे, क्योंकि हम संकल्प लिए हैं कि हमारा जो कुछ भी है डिजेक्शन, जियेंगे तो डिजेक्शन के लिए, मरेंगे तो डिजेक्शन के लिए, मेरा सब कुछ डिजेक्शन है, 1 रुपया भी पैसा आने वाला नहीं है डिजेक्शन, डिजेक्शन के छोड़ के बाकी कोई ऐसा जगह नहीं है जहां से मेरा 1 रुपया आने वाला है, क्योंकि हमारा सब कुछ डिजेक्शन है, अगर यह बंद हो जाएगा तब तो मर जाएंगे। तो बोले कि ठीक है आज से तुम्हारा जो है सीनियर हम है, हमारे गुरु हम रहेंगे और रोशन सर रहेंगे, जैसे वो बताएंगे वैसे करना पड़ेगा, आपने जी सर हम करेंगे। और उसी लॉकडाउन में हमारे जो है दो गुरु मिले, रोशन सर और अग्रवाल सर, आज अग्रवाल सर इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका कृपा हमारे साथ में हमेशा रहता है, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त है, क्योंकि जाने से पहले बहुत बार हम उनसे मिल चुके हैं, आशीर्वाद भी ले चुके हैं कि आप आगे जरूर बढ़िएगा, आशीर्वाद भी ले चुके हैं, डांट भी कई बार खा चुके हैं, गलती करते थे, डांट बहुत होता था तो सुधार भी करते थे। तो हमको दो गुरु लॉकडाउन में मिले, रोशन सर और अग्रवाल सर, और आज वहां हमको डेली फोन करने लगे रोशन सर, पूरा जोर बताते थे हमसे डेली, ऐसे करो वैसे करो, पूरा सिखाने लगे, और जहां दिक्कत होता था पूरा बताते थे। उस टाइम हम जो है रोशन सर को पूरा हाथ पकड़ लिए, कहे कि अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, आप हमको जो कहिएगा वो हम करने तैयार है। और रोज प्रतिदिन रोशन सर हमको से बात करने लगे, और बात करते करते क्या मेरा धीरे धीरे जो है आगे बढ़ने लगे, 2020 में हम जो है धीरे धीरे रूबी बन गए, मेरा बोनस भी बढ़ने लगा, जैसे गुरु मिले रास्ता बताना शुरू किए, मेरा जिंदगी बदलना शुरू हो गया, धीरे धीरे काम करते करते जो है 100 रुपया 5,000 10,000 बढ़ने लगा मेरा बोनस, बढ़ते बढ़ते आगे और भी मेरा सपना पूरा होने लगा, समझ गए। तो लेकिन हम सारा व्यक्ति का जितने भी लोग थे मेरे ऊपर सबको ब्लैक लिस्ट में डाल के दो व्यक्ति के नंबर चालू किए, रोशन सर और अग्रवाल सर का, और दोनों से जो है रोशन सर से हमको डेली बात होता था और बताते थे, और जूम पर बात होता था, अग्रवाल सर भी बात कभी कभी फोन कर देते थे हमारे पास, लेकिन प्रतिदिन सर का फोन आता था। आज हम साधारण व्यक्ति से आज जीरो से आज हीरो बनाने के लिए और डिजेक्शन प्लेटफॉर्म पर डिजेक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पर लाने के लिए 100% पूरा ताकत जो है पूरा जो दम लगाए हैं वो हमारे गुरु रोशन से लगाए हैं। अगर वो नहीं हमको मिलते तो आज हम आपके सामने नहीं होते, क्योंकि हम एक साधारण व्यक्ति थे, हमको नहीं पता था कौन कैसे क्या करना, आपको कुछ भी नहीं मालूम था, हम एक साधारण व्यक्ति थे, हमको कुछ नहीं मालूम था, मिट्टी केवल थे, मिट्टी से बर्तन बनाने का जो काम किया है वो रोशन सर किए हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना पावर नहीं था कि हम यहाँ पर पहुंच पाते, ये सारा जो काम है वो किया है, समझ गए। तो धीरे धीरे जो है मेरा जो है सपना पूरा होने लगता है, अब बच्चों को भी धीरे धीरे पढ़ाते थे, अब 10 को 5 को पढ़ाना शुरू किए कि ताकि हमारा जो है कुछ खर्चा हो जाए, अब बता सके, प्रोडक्ट देते थे, साबुन बताना शुरू किए हर जगह पर, होम मीटिंग पैदल शुरू किए, पैदल कई जगह गए हैं, गाड़ी पर चढ़ने के लिए हमारे पास जब भाड़ा नहीं होता था ना, ऊपर चढ़ के जाते थे 5 रुपया 10 रुपया में, भाड़ा पैसा नहीं जुम पाता था, समझ गए। साइकिल से शुरू करते थे बताने के लिए डिजेक्शन के बारे में, चाय स्पर्णा के बारे में बताने के लिए हम साइकिल से जाते थे, अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दो दो साइकिल,
यही दोनों साइकिल है जो हम इसी से, एक को खराब होता था तो एक से जाते थे, एक मेरे पिताजी के लिए, एक मेरा था छोटा साइकिल जो सरकारी स्कूल में मेरी बहन को मिला हुआ था, वही साइकिल को लेकर के हम होम मीटिंग करने जाते थे, वही साइकिल से लेकर के हम अपना टीम से मिले जाते थे, वही साइकिल से जाकर के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ज्यादा करके हम मीटिंग जाके देते थे अपने टीम में साइकिल से। आप देख सकते हैं मेरा घर है, विश्वकर्मा पूजा के दिन है, हम साइकिल को पूजा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं उस दिन मेरा क्या हालत था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा शुरुआती दौर यही था। बताया जाता है कि डिजेक्शन आपको बहुत अच्छा समय में नहीं मिलता है, बहुत खराब समय में मिलता है, इसलिए मिलता है कि खराब समय को अच्छा बनाने का पावर आपको भगवान दिए है, आपको दिए है कि आप गरीबी, आप गरीब घर में आपको जन्म दिया है इसलिए कि आप ताकि उस घर को अमीर बना सके। और हमारा उस तरीका साइकिल से हम शुरू किए और धीरे धीरे जो है आगे बढ़ना शुरू किए। लूना था और मेरा जो है प्रोडक्ट इसी में रहता था, झोला में रहता था पहले, और इसी से हम काम करना शुरू करते थे। साइकिल के बाद फिर लूना, ये मेरा अपना लूना नहीं है, ये मेरा चाची के लूना है, उसी से शुरू किए। कभी जब एक आदमी मांगते थे, दूरी दूरी जब जाना रहता था तो यही से लेके जाते थे। होम मीटिंग करना शुरू किया अपने टीम के लिए इस तरीका से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरीका से हम 4 को 5 को के बताना शुरू किए, मीटिंग देना शुरू किए, जो बुझाए वही बताना शुरू किए। बहुत सारे पागल बोलते थे कि लड़का जो है पागल हो गया है, कोई लेता उता नहीं है, कोई नहीं सुनता है, फिर भी पगला जाता है एक जज्बा में। अब कोई बात नहीं है, आज आपको बोलने का मौका है बोल लीजिए, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, समझ गए। तो धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ना शुरू किए, तो और सीखने के लिए हम हर जगह जाना शुरू किए। सीखने के लिए हम पटना गए, बताया सुने थे कि वहां पर आ रहे हैं डॉक्टर एस रंजन सर, प्रोफेसर सर आ रहे हैं, तो वहां हम जाना शुरू किए, वहां गए देखने के लिए। सब बोलते थे कि सब झूठ बात है, सब कोई नहीं है, फोटो में तो कोई दिखा देगा, सामने तू देखा है कि नहीं देखा है, तो बोले कि जब सामने देखना तो बताना। तो हम सामने देखने के लिए पटना गए कि वहां पर पता चला कि आ रहे हैं प्रोफेसर सर, समझ गए। तो वहां पर गए और देखे, अपना आंख से सीखे, बहुत विश्वास हमको हुआ कि वहां पर अनपढ़ महिला भी लाख रुपया महीना कमा रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो थे जो पैसा कमा रहे थे, वहां पर बहुत सारे लीडर को देखे जो पैसा छाप रहे हैं, अमीर गरीब थे अमीर बन रहे हैं, हमारे अंदर में विश्वास जग गया, विश्वास कोई भी आगे बढ़ सकता है, और मोटिवेशन मिला। ठीक है, वहां से आए रांची सीखने के लिए गए, पटना सीखने के लिए गए। यहाँ पर मेरे दो दो लाइन है, एक छोटू कुमार जी और एक दीपक कुमार जी, जबरदस्त जो है हमारे टीम में जो है काम कर रहे हैं, इन लोग भी गए हमारे साथे साथे गए सीखने के लिए। बहुत और भी टीम लोग वहां गए थे भुवनेश्वर में सीखने के लिए, फ्रीडम डे मन रहा था, वहां गए, वहां पर देखे बाट रे बाट इतना भीड़। आज बहुत सारे लोग हमको पागल बोलते हैं कि इतना पढ़ के इतना, हम वहां पर गए तो इतना पढ़ा लिखल व्यक्ति थे कि मत कहिए, इतना भीड़ देखे तो हमारा दिमाग खराब हो गया। हम नहीं, हम दुनिया का नंबर 1 जगह पर है, आपको खराब लगता है लगे दीजिए, लेकिन हमारे लिए नंबर 1 जगह है, यहाँ से जिंदगी बदल के ही रहेंगे। अगर बदलता है जिंदगी डिएक्शन से, तो हम आपको बदल के और साबित कर देंगे, जो हमको बोलते हैं कि खराब जगह है, हम अपने आप को इतना सफल बनाएंगे और साबित कर देंगे कि आप झूठा आदमी है, हम झूठा आदमी नहीं है, आप है, रिएक्शन सही है, आप गलत है, साबित कर देंगे। अब आज साबित कर रहे हैं धीरे धीरे, समझ गए। तो सीखने के लिए गए, और जब सीखना शुरू किए तो 2020 में मेरा एक सपना पूरा हुआ, जिसमें सब आदमी के, मेरा पिताजी के बोनस पैसा घट गया, सबका पैसा घट रहा था बाहरी दुनिया में, उस टाइम डिएक्शन में मेरा पैसा बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम हमारे दो दो गुरु मिल चुके थे हमको आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोग का सपोर्ट मिला, और रोशन सर और अग्रवाल सर, और उसका नतीजा क्या हुआ कि मेरा डिएक्शन से 10,000 इनकम हो गया था 2020 में लास्ट होते होते, और मेरा धनतेरस में पहला मेरा सपना था कि साइकिल चले चले बहुत हालत खराब है, अगर बाइक मिल जाता ना, बाइक ले लेते ना तो बहुत अच्छा होता, मेरा सपना था। दूसरा के देखते थे बाइक चलाते हुए तो बहुत हमको लगता था कि हमको कहिए बाइक लिया जाएगा, हमको कहिए बाइक मिलेगा, हमारा ये सपना था कि हम भी बाइक लेते, और डी एक्शन जो है पैसा हमारा आने लगा, और डी एक्शन से मेरा पहला सपना पूरा हुआ, एचएफ डीलक्स बाइक लिए 78,000 के, और उससे चलना शुरू किए। जब हम पहला बार जब गाड़ी लिए, हमारे घर में जो डी एक्शन के बारे में आल जाल बोलते थे, डी एक्शन की विरोध करते थे, वे सभी लोग, हमारे माता पिता सबसे पहले सुधर गए, उन लोग के समझ में आ गया कि डी एक्शन से जो है पैसा आता है, नहीं आता तो 78,000 रुपया कहाँ से आता, क्योंकि हमको डी एक्शन के अलावा कहीं से पैसा आने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। डी एक्शन में आने के बाद हमारा सब कुछ बंद हो गया, खाना छोड़ के सब बंद कर दिए थे, कपड़ा लाता सब कुछ बंद, खाली खाना चालू था, समझ गए। तो इसलिए समझ में आ गया कि लगता है कि डी एक्शन से इसको पैसा आता है, और आज सपना पूरा हुआ। तो हमारे पिताजी बोले कि ठीक है तुरा जो करना है करो, माताजी भी बोले कि ठीक है जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है अब करो। अब हमको आदेश और मिल गया कि करो, इस पहले माना करते थे कि मत, कहते थे कि मत करो, और जब हम गाड़ी ले लिए तब हमारे पिताजी माताजी बोले कि करो, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। तो पहला मेरा सपना पूरा हुआ था यहाँ से, और सपना मेरे पास पूरा हुआ, बड़ा मोबाइल नहीं था, बड़ा मोबाइल भी मेरा लिए है, हम अपना पैसा से डिजिटल के पैसा से लिए है मेरा, धीरे धीरे छोटा छोटा बहुत सारा सपना, चम्मच लेना सपना बनाए थे, और गिलास प्लेट टेबल कुर्सी, ये सभी हमारा सपना था कि हम डिजिटल के पैसा से लेंगे। और 40,000 के लैपटॉप लिए, अभी हम उसी लैपटॉप से मीटिंग भी दे रहे हैं, मोबाइल भी लिए, लैपटॉप भी लिए, और यही नहीं, हम डिजिटल के पैसा से अपना घर भी बनाए हैं, घर भी बना रहे हैं, बनाए हैं, और आज यहाँ पर 1,00,000 रुपया हम अपना घर में खर्चा कर चुके हैं डिजिटल के पैसा से। सोचिए
आज पैसा आना शुरू हुआ। हम आपको बता दें कि 2020 में 10,000 मेरा इनकम हो गया था और 2021 में 25,000, 2022 में 30,000, 2023 में 35,000, 30,000 मेरा बोनस आता था और 2024 में मेरा जो शुरू हुआ है बोनस 40,000 रुपया से शुरू हो गया था। इस तरीका से मेरा जो है बोनस बढ़ने लगा, क्यों? गुरु का मार्गदर्शन मिलने लगा। अब बताते जैसे जैसे बताए, बोले कि आप बोलिएगा कि अभी तीन है तो हम तीन मानने तैयार है। हम अपना दिमाग बंद कर दिए, कहीं सर हम अपना दिमाग लगा के देख लिए, हम अपना दिमाग लगाए तो फेल हो गए, आप सब जैसे बताइएगा वैसे करेंगे हम, क्योंकि हम देख लिए कि अपना दिमाग लगाने से कुछ होता नहीं है। अपना दिमाग हम लॉक किए, अब आपका दिमाग से गुरु का दिमाग संचालना शुरू किए, आप बोलिएगा जो करेंगे बस, और उसी का नतीजा है कि सपना जो देख रहे ना, अपना दिमाग बंद किए गुरु के दिमाग से चलना, मतलब मेरा शरीर है और दिमाग हमारे गुरु का है, तब जाकर के मेरा सपना पूरा हुआ। और धीरे धीरे जो है लैपटॉप लिए, हमारे घर में खुशी आना शुरू हुआ। मेरा एक सपना था कि गाड़ी थी सब तो ले लिए, मेरा एक सपना भी बन चुका था कि हम विदेश घूमे। एक बार हम मलेशिया जाने का अच्छी जो बना दिए थे कि विदेश हम जाएंगे, नहीं गए थे तो बहुत सबको टोन मारने लगे थे, लेकिन फिर आया था ऑफर आया कि मलेशिया जाना है, जा सकते हैं। कहे कि सर बोले कि मलेशिया आपको जाना है, इसके लिए आपको लड़ना है, मेहनत करना है। हम कहे सर हम भी विदेश जा सकते हैं, कि एकदम जाएगा तो लड़ो, जैसे बता रहे करो, और लगातार हम करने लगे। करते करते नतीजा क्या हुआ कि हम मलेशिया जो है क्वालिफाई कर गए और विदेश गए। हमारा सपना था, हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम हवाई जहाज पर भी चढ़ेंगे। जो व्यक्ति के पास टेम्पू पर चढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बस पर चढ़ने के लिए पैसा नहीं है, वो आदमी कभी नहीं सपना देख सकता है कि आप विदेश जो है हवाई जहाज पर चढ़ सकते हैं। हमारा औकात नहीं था, लेकिन वो औकात दे दिया रिएक्शन। रिएक्शन का पावर है कि हम विदेश गए, मलेशिया गए और वहाँ हवाई जहाज पर चढ़ने का मौका मिला। हवाई जहाज पर चढ़े, ये हवाई जहाज के अंदर का सीन है, समझ गए। और यहाँ पर देखिए, वहां पर मुलाकात हुआ, यहाँ से हम लोग बसंती दीदी और किरण दीदी जो है हम लोग सब गए थे, तो ये सभी दीदी लोग के चरणों में प्रणाम करते हैं। गर्व की बात है कि अनपढ़ महिला भी विदेश गई, तो हमको तो और खुशी बढ़ता है कि बताइए हमारे अगल बगल क्षेत्र के दीदी लोग गए हैं, हमको अकेले अच्छा नहीं लगता था, गए तो वहाँ दीदी लोग भी मिल गए, बहुत खुशी मिला। तो हम लोग हमेशा साथ में रहे और बहुत इंजॉय किए विदेश में जाकर के। मलेशिया में चाय कॉफी जितना पीना है उतना पीजिए और खूब पूरा जो मन है इंजॉय करिए, पूरा मस्ती किए। कभी ये सब हम अपना फैक्ट्री देखे कैसे बनता है चाय, पूरा कैसे बनता है पूरा प्रोडक्ट, ये सारा अपना आँख से देखे। शुरू में जब हम काम करते थे तो बोलते थे कि फैक्ट्री अपना है, बोला नहीं अपना है, देखा है नहीं, तब देखे तब बताना। लेकिन जब मलेशिया गए तो मेरा विश्वास पड़ गया। 2023 में मलेशिया गए, सोचिए आज तक हमारे बोलते थे पहले कि खानदान के ना कटवा रहा है, खानदान कैसे जा रहा है। जब हम मलेशिया गए हवाई जहाज पर चढ़े, तब हमारे गांव में, हमारे एरिया में, हमारे घर वाले लोग, हमारे खानदान जो दोस्त जो है यार, और हमारे जो है बोलते थे जो चाचा लोग कि ना कटवा रहा है, आज वही लोग बोलते हैं कि आज जो लड़का है अपना खानदान के नाम रोशन किया विदेश जा करके हवाई जहाज पर चढ़ करके। ये पावर रिएक्शन का है, रिएक्शन प्लेटफॉर्म का है कि हमारे जैसा साधारण व्यक्ति भी विदेश गए। तो खानदान का नाम जो ना कट रहा था, जब हम फेल थे, पैसा नहीं आता था और कुछ नहीं था मेरे पास, तो खानदान का नाक कट रहा था। आज वही जगह से जब मेरा सपना पूरा होने लगा, तो आज हमारा खानदान का नाक जो है, नाम जो है रोशन होने लगा। तो आप सीधा समझिए कि नाक किसी कटता नहीं है, बस पैसा का खेल है। आप सफल हो जाए इसलिए जब जा रहा है, जब पैसा नहीं लगेगा तो आपको कुछ नहीं जाएगा, समझ गए। तो इस तरीका से मिला। और वहाँ साइबर मिलने में देखे, हमारा चेहरा शुरू में देखेगा तो जो है पूरा चेहरा पर 12-13-14 बजे जाता था, बड़े पूरा चेहरा में हुआ था, पूरा चेहरा मेरा खराब रहता था। लेकिन आज देखिए, हम लोग मलेशिया गए तो सब एकदम चश्मा लिए थे, सब हम चश्मा लेके नहीं गए थे, तो हम लोग मलेशिया में जाकर के चश्मा लिए और एकदम सब मतलब भारत देश में थे, यानी यहाँ पर जो थे हम लोग जीरो थे, लेकिन मलेशिया में जाकर के हम लोग सब हीरो बन गए। एकदम गर्दा मचा दिए, एकदम बहुत अच्छा लगा, एकदम लगा कि जीवन में कैसा जगह पर आ गए, पूरा एकदम लगा कि स्वर्ग में आ गए। और बहुत मस्ती किए, बहुत अच्छा लगा घूम करके विदेश में। अब बहुत कुछ वहां जाने के बाद सीखे कि इतना लोग लगे हुए हैं, इतना दूर में हमारा फैक्ट्री है, बहुत विश्वास हुआ, समझ गए। तो हम देखे कभी भी होटल में हम नहीं जाते थे, कभी होटल में नहीं जाते थे, पैसा ही नहीं है तो होटल में कहाँ जाएंगे। ठेला पर खाते थे सिंगाड़ा पकौड़ी, बस पैसा ही नहीं है, भूख लगेगा तो भूखू रह जाते थे, पैसा ही नहीं है खाने के लिए। लेकिन डीएक्शन धन्य है, डीएक्शन प्लेटफॉर्म, डीएक्शन कंपनी बनाने वाले, कि आज हमको जो है वहां पर बहुत बड़ा बड़ा 7-स्टार होटल में हम लोग का सबको रखे थे और बहुत अच्छा व्यवस्था दी, बहुत मस्त लगा घूम करके। सोचे सोफा गद्दी बहुत अच्छा अच्छा, जो कभी हम सपना में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा ऐसा होटल में भी जाएंगे, लेकिन डीएक्शन ने हमको घुमाया। पेनांग में शहर है, चारों बगल पानी है, उस बीच में है पेनांग शहर, उस शहर का मजा लिए, बहुत घूमे, बहुत अच्छा जगह है, जाइएगा तो आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा जगह है, वहां पर भी हम लोग घूमे हैं। और हम लोग को मलेशिया जो है घुमाया गया कोची से बस से, और बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर देखे थी बसंती दीदी, हम लोग खूब घूमे और बहुत मस्ती किए। यहाँ देखिए स्पर्डिना फैक्ट्री है, कैसे स्पर्डिना बन रहा है। हम लोग जब वहां पर गए तो स्पर्डिना के पाउडर मिला, कॉफी मिला, सब पिए, पूरा दबा दबा के पिए, एकदम बहुत अच्छा लगा कि अपना फैक्ट्री में हम लोग आए हैं, अपना घर में आए हैं। सोचिए कैसे बनता है, अपना आंख से देखा है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग है,
यहाँ पर देखिए और दीदी हमको मुलाकात हुआ और वो है निकी दीदी, को भी दीदी को भी चरणों में प्रणाम करते हैं, बहुत खुशी मिला दीदी लोग से मिल करके। ये दीदी के भी वहाँ मिले और खूब इंजॉय किया हम लोग पूरा मलेशिया में। पिछला साल गिरा मन रहा था उस जगह का सीन है ये, वहाँ बहुत बड़ा बड़ा जो क्राउन मिनिस्टर से हमको मुलाकात हुआ, वो सबका आशीर्वाद लिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके। गैनो डर्मा फैक्ट्री, गैनो डर्मा का खदान में चले गए, कैसे गैनो डर्मा बनता है जो हम लोग सेवन करते हैं, वो गैनो डर्मा कैसे बनता है अपना आंख से देख करके आए हैं। अब विश्वास मेरा बढ़ गया, सोचिए कोई भी जब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति भी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये कैसे हुआ? एक चीज करने से हुआ। अपने सफल अपलाइन के हाथ पकड़ के चलिए, लोगों की पैर पकड़ने की नौबत नहीं आए, नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। हम क्या किए, अपने गुरु के हाथ पकड़ लिए, आज हमको किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आए। अगर हमारे साथ अगर गुरु है तो दुनिया हराने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज बताया जाता है कि जिंदगी जीने का असली मजा तब है क्योंकि दुनिया वाला जो है आपको कभी भी जीतने नहीं देगा, अब आपका गुरु जो है कभी आपको हारने नहीं देगा। ये सबसे बड़ा बात है, अगर आपके जीवन में कहीं गुरु है, अगर आप किसी को गुरु बना लिया है तो आप याद रखेगा आप हारने वाले नहीं है, क्योंकि आपको गुरु जो है कभी हारने वाला नहीं है, हारने नहीं देगा आपको। आप विश्वास रखिए अपने गुरु के ऊपर और हाथ पकड़ लीजिए, आप कभी मत छोड़िए, आप निश्चित गरीब से अमीर बन जाइएगा, निश्चिंत आगे बढ़िएगा। ये हमारे देखिए गुरु स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर, रोशन सर और यहाँ पर प्रियरंजन सर, सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सब सीखे हैं। और हम समझ गए कि तीन चीज हमको बदलना पड़ेगा अगर हमको जिंदगी बदलना है तो, एक तो सही अपलाइन, सही गुरु को पकड़ना पड़ेगा, हम पकड़ लिए। बोले कि सर बोले कि संगत बदलना पड़ेगा, हम संगत बदल दिए, वो जो हमको निगेटिव बोले उनके व्यक्ति के साथ में हम रहना बंद कर दिए, बोले कि इसको साथ रहना नहीं है, उसको साथ दूर हो जाओ, हम संगत बदल दिए। बोले कि अपन आदत एकदम अच्छा रखना है, सिस्टम से काम करने वाला आदत, हम अपना आदत बदल दिए। अब इसी का नतीजा है कि धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ना शुरू किए। अब आज की डेट में जो मेरा जो है बोनस जो है, हम 10,000 के बारे में सोचते थे कमाने के लिए, अब आज की डेट में जो मेरा बोनस आया है वो ₹1,50,000 आया है। सोचिए ₹1,50,000 बोनस, हम सोचे नहीं थे कि हमारा भी इतना आएगा, लेकिन आज हमको आ रहा है, हर महीने ₹1,50,000 आ रहा है आज की डेट में। सोचिए आज हमारा घर से धीरे धीरे जो है कर्जा मादन था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, तो जिंदगी बदलना जो है अभी शुरू हो चुका है मेरा, समझ गए। तो हम आपको एक ही चीज बताना कहेंगे कि आज अगर आप सही में जिद्दी बन जाएंगे, जिंदगी बदलने का अगर सोच लेंगे, मन में ठान लेंगे, तो आपको जिंदगी बदलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि अगर आप मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत है, समझ गए। तो आपको ठानना है और पागल बन जाना है और अपने गुरु के 100% बातों को मानना है, मान लिए तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, आप आगे बढ़ने से कोई भी रुक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रुक पाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड कि आप सभी लोग तैयार हो जाइए और आगे बढ़िए। और जाने से पहले हम एक चीज कहेंगे कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से गिर के और फिर से जो उठ सके वही जिंदा आदमी है।